कोरोना महामारी के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ड्यूटी पर रहे। सड़क से अस्पतालों तक तैनाती के दौरान कोरोना संक्रमित हुए कई पुलिस कर्मियों की जान चली गई। पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी विभागों के लिए सर ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से शहीद होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सैकड़ों पुलिस कर्मी शहीद हो गए, जिनमें से सिर्फ 7 को मुआवजा दिया गया। मध्य प्रदेश में संडे अनलॉक होने के बाद बाजारों में रविवार को भी चहल पहल दिखाई देना शुरू हो गई है। 27 जून को करीब 3 महीने बाद संडे को हुए अनलॉक की वजह से दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलने बाजारों में सुबह से पहुंच गए। राजधानी के प्रमुख न्यू मार्केट में सुबह 10 बजे से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया था। रविवार को जलभराव निकासी व ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्तीकरण को लेकर निगम कमिश्नर प्रतिभा पॉल का अधिकारियों पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जोनल अधिकारियों एआरओ व सीएसआई को फटकार लगाई, कहा आप लोग फील पर आते नहीं हो, कर्मचारियों को भेज देते हो, ये कर्मचारी दिन भर बाजार में घूम घूम कर एक ही काम करते हैं, ऐसे निकम्मे लोगों को दूसरे काम में लगा दीजिए और काम नहीं हो तो उन्हें वृक्षारोपण के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड भेज दें। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अगस्त माह से कॉलेज खोलने के संकेत दिए हैं। कॉलेज आने वाले स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। उन्होंने कहा है कि कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ कॉलेज खुल सकते हैं। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण जुलाई के अंत में या फिर अगस्त में शुरू हो सकता है। टीकाकरण का राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला के कोविड-19 रोगी टीके जायकोड डी का परीक्षण करीब करीब पूरा हो चुका है। जम्मू के सतवारी इलाके में मौजूद एयरफोर्स स्टेशन में रविवार तड़के हुए तेज धमाकों के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन हेडक्वार्टर और इसके साथ ही जम्मू का मेन एयरपोर्ट भी इसी परिसर में आता है। इस धमाके के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भारतीय वायुसेना के अड्डे पर ड्रोन द्वारा किए गए दोहरे विस्फोट में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद का हाथ हो सकता है।